स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल स्मृति दीपात फाइनर काली मु क्लास फिफ्थ इंग्लिश बुक रेन सब्जेक्ट को भल भाव बुझे देली जो पिला माने न बुझी छो से माने मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाई सेठी मु लिंक दे दीजिए सेठी जाई देखि दबो आ जो माने मो चैनल को नुआ आसीथिबो से माने मो चैनल टू को सब्सक्राइब कर दबो एवं लाइक और शेयर बटन टी को दबे दबो। लेट्स स्टार्ट। आज ताहले आमे कौन करिबा ना क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करिबा। मु क्वेश्चन आंसर तुमको भल भाव बुझे दूची कही दूची तुम मैंने तुम नोट्स बाहर करी टिपि नियो। क्वेश्चन वन व्हाट इज द पोएम अबाउट। पोएम रे कहा विषय कह जाए दि पोएम इज आंसर दि पोएम इज अबाउट रेन। पोएम रे रेन विषय कह जाए। क्वेश्चन टू व्हेयर डज इट रेन से द प्लेसेस और थिंग्स। वर्षा केउठारे होउछि केउ को स्थान एवं जिनिस उपरे होउछि कुह। आंसर इट रेन्स ऑल अराउंड। से द प्लेसेस और थिंग्स। क्वेश्चन टू आंसर द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड सच इज ऑन द फील्ड ट्रीज अम्ब्रेलाज सीव्स ग्रीन ग्रास एंड ऑल्सो ऑन द हाउस टॉप। क्वेश्चन थ्री व्हाई डजंट इट रेन ऑन द चाइल्ड और द पोएट। वर्षा कौन पाई पिलाटी किंबा कवि को उपरे हेउ नाही काहे हेउनी। द पोएट इज इनसाइड द हाउस। पोएट घर भीतर थिबारु तांको उपरे वर्षा हेउ नाही। हाउ मेनी क्वेश्चन फोर हाउ मेनी टाइम्स रेन इज यूज्ड इन द पोएम। केते थरो रेन केते थरो एही पोएम रे रेन वर्ड टी केते थरो यूज होइछि। रेन इज यूज्ड 5 टाइम्स इन द पोएम। क्वेश्चन 5 हु इज मी इन द पोएम। एही पोएम रे मी किए से बा कहा को जाइछि। मे बी द पोएट एंड मे बी ए चाइल्ड। क्वेश्चन आंसर द पोएट इन सेल्फ। Me in the poem is the poet himself. Season 3 Comprehension activities. Write the correct alternative to complete the sentence. देखो गोटे क्वेश्चन दीजिए तले सब ऑप्शन गुड़िक से चारिटा ऑप्शन रु कौ ऑप्शन हम से तुम्हें राइट मार। क्वेश्चन कौन देला देखो रेन इज रेनिंग ऑन डैश। रेन केउठारे होउछि। ऑप्शन ए दिछि फील्ड ऑप्शन बी ट्री ऑप्शन सी रिवर ऑप्शन डी दि मेन इन शिप्स। वर्षा केउठारे होउछि वर्षा फील्ड रे भी होउथिला ट्री रे भी होउछि तनो जो ऑप्शन लेखिबो राइट हेबो ए और बी। सेकंड रेन ड्रॉप्स डू नॉट फॉल ऑन डैश। ऑप्शन देला अम्ब्रेला बी दि पोएट और चाइल्ड सी देला हाउस टॉप डी देला ग्रीन ग्रास। ताले आर आंसर हेला रेन ड्रॉप्स डू नॉट फॉल ऑन द पोएट और चाइल्ड। बी को आसीबा लिस्टेड बिलो आर सम वर्ड्स पुट देम अंडर टू स्टैंडर्ड्स। कहला किसी वार्ड तले दि जाए वार्ड गुड़ को आम कविता टेक्स्ट टी को देखिकी फिलअप करवा कौटा स्टांजा वन रो वार्ड स्टांजा टू रे रो वार्ड। वार्ड गुड़क देला हाउस टॉप ट्रीज ग्रास अम्ब्रेला सिप्स सी। स्टांजा वन वार्ड गुड़िकी लेखिनि स्टांजा वन वार्ड गुड़िक ट्रीज अम्ब्रेला सिप्स सी। स्टांजा टू रे वार्ड्स गुड़िक हाउस टॉप ग्रास। सीजन फोर को आसवा योर टीचर विल रीड अलाउड द सेकंड स्टांजा यू लिसन टू हिम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ताल कौन देला आग शुणा तापर शून्य स्थान पूरण करवा। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास रेन ऑन द ग्रीन ग्रास एंड रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी।
तापर हमें सीजन फाइव को आसीबा वोकैबुलरी गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दीज आर वर्ड्स हाइडिंग इनसाइड ईच ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन गेट देम बाय सेपरेटिंग द लेटर्स इनटू टू और बाय चेंजिंग देयर प्लेस द लास्ट वन इज डन फॉर यू कहला लास्ट शेषटी तुम्हें कर दि जाए आउ केतोटी वार्ड दिया जाए से वार्ड गुड़ को ताकु तार स्थान परिवर्तन करी तुम्हें नूतन वार्ड न्यू वार्ड्स क्रिएट कर देख वार्ड गुड़ कौन दे ओ एन ओ अन रो वार्ड कौन हम कहल देखा अन को लेकिन निश्चित भाव नु टी एच डी ताले डी रु अदर वार्डटा हम हि टप टी ओ पी ताको हमें तार प्लेस चेंज कर देले पी ओ टी पट एवे हमें सीजन सिक्स को आसीबा एठी तो मैचिंग देची ए कलम बी कलम देची ए कलम सहित तो बी कलम रो को वर्ड्स गुड़िक मैच हवा मैचिंग करवा बिग हाउस टॉल ट्री ग्रीन फील्ड ब्लैक अम्ब्रेला Write four sentences using the words match. One is done for you. पहले से जो चारिटा आमे कलम को जोड़ी की चारिटा कंबाइंड वर्ड कले गोटे ता भितर से वर्ड को नहीं की गोटे से सेंटेंस करी दे छी ऑलरेडी आ तीनटा आमे करिवा से गोटे सेंटेंस कोन लिखी छी द हाउस इज बिग सेकंड रे आमे कोन जोड़ी थिले टॉल ट्री ताले लिखिबा कोन The tree is tall. Third sentence, green field को नहीं करीबा. ताले third sentence कौन लिखीबा? There is a green field in front of my house. आई भी कुछ बा कौन हितला black umbrella. Sentence हैला I have a black umbrella. Season 7 कुछ बा. What is the poem about? Already हमें पढ़ी सर्चे. The poem is about rain. Where does rain fall in the second line? Second line re rain kouthare padichi barsha kouthare padichi? The rain falls on the fields and the trees. Third question ku jiba how many times rain is used in the poem? Rain kete thoro use hoi jai poem re? Rain is used 5 times in the poem. IV, how many stanzas are there in the poem? Ketata stanza achi ei poem re? There are 2 stanzas in the poem. Season 8 ki jiba kon kahila ago dekhinoba. Write a poem on wind of your own. Making minimum changes in the first stanza, let's write a 4 line poem. Rain of first line with wind and raining with blowing. Replace falls and rain in lines 2 and 3 with blows. One done for you. So, कौन कहिला ना minimum changes करी की first stanza जो दे इच्छी तुमको rain रो तारो और को टिके टिके change करी की तुम्हें उटे new poem उटे लेखी वो wind ऊपरे तले को उटा change करी वो देखो wind रेन को चेंज करके तुम ओन लिखो रेनिंग ब्लोइंग लिखो फॉल्स रेन्स फॉल्स लिखो लिखि तुम्हें ओन नुआ रो गोटे नुआ पोएम तुम्हें निजे लिखो फर्स्ट कौन दे देखो दि विंड इज ब्लोइंग ऑल अराउंड इट सेकंड हम इट ब्लोज ऑन फील्ड एंड ट्रीज It blows on the umbrellas here and on the ships at sea. आउ थोड़े कोई दूर ची देखो। poem टा ताहले हो बहुत wind ऊपरे। The wind is blowing all around. It blows on field and tree. It blows on the umbrellas here and on the ships at sea. All right, students. Thank you for watching.